एक बात बताओ नितेश, माँ और बाबा कब आ रहे हैं यहाँ पर? तुम्हारी बात हुई उनसे? बस एक बार। हम वो गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ? और साक्षी भाग गई। क्या? कैसे भाग गई वो? तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाए तो? नितेश देखो वो साकेत, नितेश ने तुम्हें हिदायत दी थी ना कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना, लेकिन ये क्यों मानेंगे? सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। नितेश, लेकिन अब हम साक्षी को ढूंढेंगे कहां? मुझे मां बाबा से बात करनी होगी, शायद उनके पास कोई। तुम्हारे शरीर और आत्मा तक पहुंचने वाले सारे रास्ते को मैंने इस आग के जरिए बंद कर दिया है। अब मैं मंत्रोच्चारण करूंगा, उस मंत्रोच्चारण के दौरान तुम बिल्कुल शांत रहना। तुम्हारे गले में पड़े इस चैन को छूने की तुम्हारी प्रबल इच्छा होगी, लेकिन तुम्हें उस इच्छा को दबाना होगा। अगर तुम्हारे हाथ उस चैन तक पहुंच गए तो वो शैतान इस चैन के जरिए तुम तक पहुंच जाएंगे। साक्षी, इस विधि में अपने पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मैं मंत्रोच्चारण करके इस चैन की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करूंगा, और जब ये आग रंग बदलेगी तो मैं खुद तुम्हारे गले से ये चैन उतार लूंगी। लेकिन बेटे, बेटी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम इस चैन को मत छूना। एक बार, बस एक बार ये चैन तुम्हारे गले से उतर गई तो तुम उन शैतानों के वश से कुछ हद तक के लिए मुक्त हो जाओगी। बोलो बेटी, बोलो, क्या तुम इस विधि के लिए तैयार हो? बड़े जतन से मैंने प्लान किया था और तुझसे सिर्फ इतना कहा था कि साक्षी पर नजर रख। इतना भी तुझसे नहीं हुआ। माफी चाहता हूं, लेकिन क्या आप साक्षी तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं? फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी उसके गले में वो लॉकेट है जो मैंने उसे पहनाया था, और तुझे याद है ना, दोबारा वो लॉकेट पहनाते वक्त मैंने उसमें कुछ जड़ी बूटियां और मंत्र फूंके थे। अब यही जड़ी बूटियां और मंत्र उसे यहाँ ले आएंगे। अब इस पूजा के बाद दुनिया की कोई भी ताकत साक्षी को यहाँ आने से रोक नहीं सकती। वो अब पूरी तरह से हमारे वश में है, उसे आना पड़ेगा। शैतान इस चैन के जरिए तुम तक पहुंच जाएंगे।
क्या नहीं होना चाहिए बेटा, हमारी इस पूजा की विधि में कोई गलती रह गई है। कैसे किस तरह से मुझे नहीं मालूम, हमारी ये पूजा कभी असफल नहीं रही है। ये हादसा आज पहली बार हुआ है। माँ, तो क्या साक्षी आप कभी घर नहीं आएगी? नहीं जानती बेटा, नहीं जानती। तो क्या माँ, ऐसी कोई विधि नहीं जो साक्षी को घर वापस ला सके? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय इंतजार करने के। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनके वश में हो। उन्होंने तुम्हें मोहिती विधा से वश में किया था और अब मोहिती बहुला विधि से तुम्हें वापस बुलाना चाहते थे। लेकिन बेटी, मैंने उनकी विधि सफल होने से पहले ही असफल कर दी। मैंने उसे असफल किया है। बेटी, फिर कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? बेटी, तुम्हें उस घर में वापस जाना पड़ेगा, उन्हें गुमराह करना पड़ेगा। वो समझेंगे कि उन्होंने तुम्हें वापस आने के लिए मजबूर किया है। अगर हकीकत तो कुछ और है। लेकिन मैं उस घर में उन लोगों से अकेले कैसे लड़ूंगी? हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। तुम्हें अपने बच्चे की रक्षा करनी पड़ेगी। जाओ और बड़ी चालाकी से उनकी जड़ें काट दो और आपस में लड़वाओ उनको। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आज तक उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब मेरी बात, मैं उस घर में जरूर जाऊंगी। मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे को वापस हासिल कर कर ही रहूंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। लेकिन बेटी, उस घर में जाने से पहले मैं तुम्हें भृगु महाराज के पास ले जाना चाहती हूँ। भृगु महाराज, ये कौन है? बेटे, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलो बेटी, बोलो। चलो कि ना। साक्षी कहाँ गई होगी? क्या बात है नितेश, लगता है तुम बहुत मिस कर रहे हो साक्षी को। मोहिनी, तुम कभी कुछ सीधा नहीं सोच सकती क्या? हमेशा मुझे गलत समझती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझती हूँ नितेश। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कंसर्न लगते हो साक्षी के लिए। शट अप मोहिनी, तुम बिल्कुल बदल गई हो आजकल। अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता तुम्हें। मैं बदल गई? इसमें गलत क्या है नितेश? ठीक ही तो है,
मैं तुम्हें उसके साथ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी नतीश, मैं तो यही चाहती हूँ कि वो तुम्हें वापस कभी ना मिले। बस मोहिनी, बंद करो अपनी बकवास। जानती हो ना, हमें उसकी जरूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम उसे यहाँ किस काम के लिए लाए थे, लेकिन इस वक्त तुम किसी और काम के लिए व्याकुल लग रहे हो नतीश। बस मोहिनी, बहुत हो चुका। अजिंक्य को अपने जैसा बनाने के लिए हमें साक्षी की जरूरत है। अजिंक्य तो सिर्फ एक बहाना है नतीश, सिर्फ एक बहाना। तुम्हारी जरूरत तो कुछ और है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें जो सोचना सोचो, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। महाराज, साक्षी के ससुराल वाले और उसका पति शैतान कुल के हैं। वो साक्षी की कोख से शैतान का वारिस चाहते थे, इसीलिए साक्षी को अपनी बहू बनाया। अब साक्षी को बच्चा हो गया है, वो मां बन गई है, और उस बच्चे को शैतान कुल में शामिल करने के लिए वो इसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। महाराज, हम ये जानने आए हैं कि ऐसा साक्षी के साथ क्यों हो रहा है, उसकी किस्मत में ऐसा क्या है जो उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। सत्य के प्रकाश में भय और समस्याओं का अंधकार एक क्षण में लुप्त हो जाता है। दुख के बाद सुख और रात के बाद सवेरा, यही विधि का विधान है जो अटल है। लेकिन ये कैसे हो सकता है महाराज? ये विधि का विधान है इस ग्रंथ में, धरती पर पैदा हुए हर जीव के बारे में लिखा है। कौन आया, किसकी मृत्यु हुई, हर इंसान का भाग्य दुर्भाग्य लिखा है इस भृगु संहिता में। नाम क्या है तुम्हारा बेटी? साक्षी अरोरा। कैसे हो सकता है? अभी तक नितेश क्यों नहीं आया? साक्षी कहाँ चली गई होगी? साक्षी को इस तरह से हमारे चंगुल से छूटना उसका ठीक नहीं है। कितनी सख्त हिदायतें दी थी मैंने नितेश को कि सिर्फ साक्षी पर नजर रखे, ये भी नहीं कर पाया वो। पर साक्षी को आना पड़ेगा। आएगी साक्षी, साक्षी को आना पड़ेगा। हमारा मोहित बगला विधि पूजा कभी नाकामयाब नहीं हो सकती, ये पूजा कामयाब होगी। साक्षी को आना पड़ेगा, साक्षी को आना होगा। हमारे चंगू से नहीं छूट सकती, कभी नहीं छूट सकती, उसे आना होगा। आ रही है नितेश, साक्षी आ रही है। उसे आना होगा। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, उसकी पांव की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन ऐसा सत्य जिस पर विश्वास करना असंभव सा लगता है। लेकिन महाराज, ऐसा क्या लिखा है इस ग्रंथ में? ठीक 1600 साल पहले सत्य और शैतान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में शैतान की हार हुई थी। उसे श्राप मिला था कि फिर कभी वो इंसानी रूप में जन्म नहीं ले सकेगा। अगर उसने इंसानी रूप में जन्म लिया तो वो अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे दोबारा जन्म लेने के लिए उन्हें एक ऐसी औरत की आवश्यकता थी जिसकी कुंडली के नक्षत्र शैतान की कुंडली के नक्षत्र के विपरीत हों। लेकिन महाराज, शैतान के नक्षत्र से विपरीत नक्षत्र तो सिर्फ किसी देवी के ही हो सकते हैं।
इंसान के तो नहीं, लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है 1600 सालों बाद एक औरत जन्म लेगी जिसके नक्षत्र शैतान के नक्षत्रों के विपरीत होंगे, और वो औरत है साक्षी। इसका मतलब ये है महाराज कि उन्होंने जानबूझकर साक्षी को चुना ताकि शैतान के वारिस का जन्म हो सके और वो अपनी शैतानी ताकत से सारी दुनिया पर राज करे। लेकिन महाराज मेरा बच्चा, उसका क्या होगा? वो अभी शैतानों के चंगुल में है, लेकिन पूरी तरह शैतान नहीं बना है। 2 साल बाद वो आखिरी विधि करेंगे और उस दिन शैतान के बच्चे के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। साक्षी, साक्षी कहाँ चली गई थी तू बेटा? सब ठीक तो है ना? और ये क्या हालत बना के रखे? हाँ आओ बेटा आओ, अंदर आओ। हमारा जीना हराम करने के लिए? मोहिनी कैसी बातें कर रही हो तुम? देखती नहीं ये किस हालत में है? चलो साक्षी। नहीं, साक्षी इस घर में नहीं आएगी। मोहिनी तुम जानती नहीं नतेश कितना परेशान है, साक्षी को देखकर कितना खुश हो जाएगा। चल। अच्छा तो फिर मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए साक्षी इस घर में कैसे आती है। हटो तुम यहां से। तुम इस घर में होती, तुम इस घर में रहोगी मोहिनी। हाँ इस घर में रहोगी तुम। मोहिनी छोड़ो उसे, तुम बीच में मत आओ, समझी? हाँ लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मोहिनी क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी जगह उस पागलखाने में। मोहिनी ठीक है, तुम पागल समझी तुम? मोहिनी छोड़ो उसे, मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी ना? ये इस घर की बहू है। चुप रहो तुम। तुम यहाँ रहोगी, तुम नितेश के साथ रहोगी। मोहिनी मैं नहीं, ये इस घर में रहेगी मोहिनी। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? साक्षी कहाँ चली गई थी तू? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा साक्षी। साक्षी मेरी तो दुनिया सुनी हो गई थी तुम्हारे बिना। नतेश कब तक मुझे बेवकूफ बनाओगे? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ समझा और तुमने तुम्हीं ने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा घर बसाने नहीं उजाड़ने आई। नतेश ये यहां नहीं रह सकती है। नतेश तुम मेरी बात मान जाओ, साक्षी इस घर में नहीं रह सकती है। भाभी नतेश प्लीज, नतेश प्लीज मुझे उस पागलखाने में वापस मत भेजो, मुझे वहां बहुत डर लगता है। नतेश मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन प्लीज मुझे उस जगह वापस मत भेजो। तो मुझे जो चाहे सजा दे दो प्लीज नितेश, वहां वापस मत भेजो, मुझे अपने आप से दूर मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ नितेश प्लीज। हाँ साक्षी, आई एम सॉरी साक्षी, अब मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं करूंगा। लगता है माँ बाबा की मोहित वगुर विधि काम कर गई, साक्षी वापस आ गई। अब मुझे साक्षी को यहां से नहीं जाने देना चाहिए, मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। साक्षी चलो अपने घर चलो। नितेश साक्षी को वापस से उसी पागलखाने में ले जाओ इसी वक्त। भाभी साक्षी वापस आ गई हमारे बीच हमारे घर, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अब ये हमारे साथ
चलो। पागलखाने से? हाँ साक्षी, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। शायद ही कोई इतनी जल्दी ठीक होकर आता है पागलखाने से। पागल करार तो आपने किया था ना भाभी, मुझे तो लौटना ही था। लेकिन भाभी, अब आपका क्या होगा? ये घर मेरा है और मैं जब चाहूं तुम्हें इस घर से दोबारा निकाल सकती हूँ। नहीं भाभी, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। पहले तो मुझे माँ जी लाई थी अपनी बहू बनाकर, लेकिन इस बार नतेश मुझे लाए अपनी पत्नी बनाकर। अच्छा, तो नतेश तुम्हें वापस लाया है। पहले तो हम सिर्फ रिश्तेदार थे साक्षी, लेकिन अब सौतन है और मैं अपनी सौत को यहां पर ज्यादा दिन तक नहीं रख सकती। इसका बंदोबस्त मुझे ही करना होगा। मोहिनी, आज तक तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन इस बार खेल खेलूंगी मैं और मोहरा बनोगी तुम, क्योंकि मैं इस घर में अब जिंदगी देने नहीं, जिंदगी लेने आई हूं। साक्षी घर लौट आई है, हमें उसे वापस पागलखाने भेजना चाहिए। नहीं, आज ही मेरी डॉक्टर मिश्रा से बात हुई, हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन होने वाली, सरकारी डॉक्टर्स पेशेंट्स को चेकअप करेंगे। अगर साक्षी का चेकअप हुआ तो क्या हुआ? हम उसे इस घर के किसी कमरे में बंद करके रख देते हैं। नहीं, साक्षी मेरे प्यार और विश्वास से इस घर में लौट कर आई है, हमें उसका विश्वास जीतना होगा। वो जो चाहे उसे करने दिया जाए, जैसे आज हमने उसे मंदिर जाने से नहीं रोका, उसी तरह से उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। अगर वो अपनी मनमानी करके हमारे खिलाफ कोई साजिश करने लग गई या फिर भाग गई तो? अगर हम उसे उसकी मनमानी करने देंगे तो वो घर जरूर लौट कर आएगी। हम पर उसका विश्वास और बढ़ जाएगा। अगर हमने उस पर पाबंदियां नहीं लगाई ना नितेश, तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मोहिनी, हम शैतान के पुजारी हैं। दुनिया से बचकर हम अंधेरों की पूजा करते हैं। दुनिया की नजरों में हम बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून हैं। साक्षी पर पाबंदियां लगाकर मैं अपनी इंसानी इमेज बिगाड़ना नहीं चाहता। तुम उसे अपने हिसाब से चलने दो। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम उन शैतानों के जाल से आजाद हो जाओगी। माँ सबकी सुनती है, तुम्हारी भी सुनेगी, जरूर सुनेगी। हाँ साक्षी, अब वक्त आ गया है, हमें उन पर वार करना होगा। वार करना होगा? हाँ साक्षी, उन्हें जान से मारना होगा। नहीं शलाका, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी इंसान की जान नहीं ले सकते। नहीं बेटे, वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में शैतानी दरिंदे हैं वो। लेकिन बड़े बाबा, उन्हें मारकर मैं क्यों पाप की भागीदार बनूं? नहीं साक्षी, ये कोई पाप नहीं है।
बल्कि शैतानों का खात्मा करके तुम पुण्य कमाओगे। हाँ बेटा, भगवान ने भी तो शैतानों को खत्म किया था, बुराई का अंत करने के लिए, सच्चाई के लिए, अपने अधिकार और अपनी रक्षा के लिए। अगर शैतानों को खत्म करना पड़े तो वो कोई पाप नहीं है, बल्कि तुम तो भाग्यशाली हो कि देवी माँ ने तुम्हें ये पुण्य करने का मौका दिया है। तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बड़े बाबा, वो इतने सारे और मैं अकेली, कैसे उनका सामना करूंगी, कैसे खत्म कर पाऊंगी उन सबको? हमें एक एक करके उन्हें मारना होगा, और सबसे पहले हमें पड़ोस के चाचा चाची को निशाना बनाना होगा, क्योंकि वही शैतान के असली माता पिता है, शैतान की जड़ है वो। साक्षी, तुम्हें उन पर कड़ी नजर रखनी होगी, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हर छोटी बड़ी बातें हमें आकर बतानी होगी, तभी हमें आगे क्या करना है उस बारे में हम कुछ तय कर पाएंगे। तुम मेरी बात समझ रही हो ना साक्षी? तुम्हें ये सब करना होगा, शैतानों का सर्वनाश। क्या बात है बेटा, आज सुबह सुबह बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ बाबा, आप लोगों की मोहित भगोला विधि काम कर गई, साक्षी वापस में आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अब तुम्हें और चौकन्ना रहना पड़ेगा, उसे अपनी नजरों से अब कभी ओझल मत होने दे। हाँ बाबा, इस बार कोई गलती नहीं होगी। हम साक्षी से मिलने आज ही आएंगे, और वो भी जड़ी बूटी वाली मिठाई लेकर, जिससे वो हमारे वश में रहेगी, हम जो चाहेंगे वही करेगी वो। बेटा, अगर वो चेन अभी भी उसके गले में है तो वो हमारी सच्चाई से कभी वाकिफ नहीं हो पाएगी, सब कुछ भूल चुकी होगी, लेकिन फिर भी हम वहां आकर तसल्ली करेंगे। बाबा, चेन अभी तक साक्षी के गले में है। अच्छा, फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी वहां आएंगे बेटा, उसके घर लौटने की खुशी में उसे मिठाई खिलाने। बेटी, अब तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी, वो लोग ये समझते हैं कि उनकी मोहिती वगुला विधि काम कर गई, लेकिन तुम जानती हो बेटी कि सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, ये चेन अब भी मेरे गले में है, लेकिन मैं किसी के वश में नहीं हूँ। वो तो माँ की कृपा है बेटी, लेकिन तुम्हें अपनी रक्षा के लिए ये पंच धातु का यंत्र अपने पास रखना होगा, चिठाल की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा बेटी, और जो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन अगर उन लोगों का इसके बारे में पता चल गया तो? तुम फिक्र मत करो बेटी, किसी को इसकी भनक नहीं लगेगी, नहीं देश ये समझता है कि वो बहुत शातिर है और कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन तुम उसे बेवकूफ बनाओगी बेटी। साक्षी दिखाई नहीं दे रही है, बस अभी आती होगी। अरे आप बैठिए तो सही। बैठो भाई बैठो। अजिंक्य, ए ए कौन है, कौन है, कौन मिलने आए तुझसे बेटा? अजिंक्य कौन आए हैं, कौन आए हैं आपसे मिलने? अरे साक्षी बेटी आ गई। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। आओ बैठो। देख मैं तेरे लिए क्या बना कर लाई। चाची कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे कितने दिन हो गए तुम हमसे मिलने नहीं आई, क्यों जी? भाई तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग तुमसे थोड़े ना मिलने आए, हम तो अजिंक से मिलने आए। अरे बेटा बुरा मत मानना, मजाक कर रहे थे। देख मैं तेरे लिए क्या बना कर लाई हूँ लड्डू। अरे भाई इस बनाए इसने अपने हाथ से, लेकिन सामान मैं खरीद के लाया था, खा जरूर लेना, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। अरे चाची आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा, अरे दोनों घर में अकेले रहते बोर हो जाते, टाइम पास करने के लिए मैं ये सब बनाती रहती हूँ।
देख खाना जरूर जी। चलो भैया तुम तो बच्चा खिलाने लग गई यहाँ बैठ के, मुझे कोर्ट जाना है, कितने काम है, तुम भी तो चल रही हो ना मेरे साथ। चलो 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 चलो। हाँ चल रही हूँ। चलो अच्छा बहन जी। अच्छा बहन जी नमस्ते। देख बेटा तेरे लिए मैंने खास लड्डू बनाए, खा जरूर लेना, बहुत मेहनत से बनाए, मिले तो मिलने जरूर आना। अच्छा बेटा नमस्ते। नमस्ते चाचा। शलाका जी आपने साक्षी को चाचा चाची पर नजर रखने को कहकर बहुत अच्छा किया। हाँ नेत्री, क्योंकि हमें पहले उन दोनों को ही खत्म करना है। हाँ, इन्हीं पड़ोसियों ने जड़ी बूटियां खिला खिला कर उसकी कोख को श्रापित किया और बच्चे को अपने वश में किया और हम कुछ नहीं कर पाए। एक बार वो जड़ी बूटियां मुझे मिल जाए तो उन्हीं को हथियार बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूं। ठीक है, लेकिन वो जड़ी बूटियां हमें मिलेंगी कैसे? नहीं नेत्री, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि साक्षी को अपने वश में करने के लिए वो लोग उसे जरूर कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें साक्षी को इस बात से वाकिफ करवाना चाहिए। हाँ, मैं आज ही जाकर उससे बात करती हूँ। वैसे भी चाचा चाची हमारा पहला शिकार है, शैतानों की संहार के लिए अब तैयारी शुरू करनी चाहिए। साक्षी, तुम अजिंक्य से बहुत दिनों तक दूर रही हो, अब मैं तुम दोनों को और दूर नहीं रखना चाहता। भाभी, अजिंक्य साक्षी को तो भाभी अजिंक्य, भाभी अजिंक्य साक्षी को दो। ये क्या कह रही नतीश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने दिन अजिंक्य से दूर रहने के बाद अब मैं भाभी का दुख समझ सकती हूँ। भाभी बेऔलाद हुई तो क्या हुआ? अजिंक्य जैसे मेरा बेटा है वैसा आपका भी है। साक्षी, मुझे लगा अजिंक्य को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अजिंक्य, अब ये तो आप दोनों देवरानी और जेठानी का मामला है, आप जो चाहे वो करो, मैं आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलूं। मोहिनी भाभी, एक मिनट। मैंने कहा था ना मोहिनी, मैं वापस लौट कर आऊंगी। तुमने मुझे मेरे बच्चे से अलग किया है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने क्या कहा था कि ब्रह्मांड का सारा तारा तुम्हारे आंसू में होता है ना? सही कहा था तुमने, अब यही आंसू तुम्हारी दुनिया में सहला लाएंगे, समझी तुम? देखा, मैं आ गई, मेरे भगवान ने मेरी मदद की मोहिनी, और आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ी हूँ। और मेरी गैर मौजूदगी में उसने मेरे बच्चे की रक्षा भी की, देख लिया तुमने? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मुझे मेरा बच्चा लौटाओगी। देखा, मैंने तो नतीश से कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उसने तुम्हें अजिंक्य को मुझे लौटाने के लिए मजबूर कर दिया। आज कितनी मजबूर हो गई हो तुम मोहिनी, सारा सारा मुझे तुम। बस साक्षी, बस, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
क्योंकि आज नहीं तो कल नतेश को मेरी बातों पर विश्वास जरूर होगा और तब तब अजिंक्या मेरे पास होगा। चुप हो जाओ मोहिनी, इतनी बड़ी गलती मत करो। एक माँ की ममता को कमजोर मत समझो। तुम क्या कह रही हो? तुम नतेश और विश्वास, विश्वास की लव चैतानों की फितरत में ही नहीं होता, जानती नहीं तुम? तुम बहुत कुछ जान गई हो हमारे बारे में। हाँ मोहिनी, मैं तो बहुत कुछ जान गई हूँ, लेकिन तुम एक बार अच्छी तरह जान लो, इस दुनिया में सबसे बड़ी माया एक औरत होती है, और मैंने मैंने तुम्हारे पति को अपने माया जाल में फंसा लिया है। अब वो तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं करेगा मोहिनी, अब वो सिर्फ वो करेगा जो मैं चाहती हूँ। बड़ी आई थी मेरे बच्चे को संभालने वाली, पहले अपने पति को तो संभाल लो। और आइंदा आइंदा अगर तुमने कभी मेरी तरफ या मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो सच कहती हूँ मोहिनी,